अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को झींगे का पुलाव मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ वो बता। ये प्रॉन्स का मैंने छिलका रिमूव करके अच्छे से उसको क्लीन करके रखी हूँ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हाफ ओनियन और ये दूधी का इतना पीस ली हूँ। 3 मीडियम साइज के ओनियन को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप की हूँ। बड़े साइज का आलू ली हूँ मैंने, जिसको ऐसे पीसेस में कट की हूँ। स्मॉल साइज के ये ऐसे टोमेटोज ली हूँ मैंने। हाफ कप ग्रीन पीस ली हूँ ये मैंने। धनिया को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप की हूँ और ये करी लीव्स जो इससे पुलाव में अच्छा फ्लेवर आता है। प्रिपरेशन के लिए मैंने ये दूधी को कट करके मिक्सर में पीसने के लिए डाल रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें जो टोमेटोज आप लोगों से शेयर की थी वो इसमें ग्राइंड करने के लिए डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, दूधी से है ना ये पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कभी ट्राई करना ऐसे मेरे टाइप में बना के। और ये मैंने देन ग्रीन चिलीज 4 ऐड की, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जो मैंने आधा ऑनियन आपको बताई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड की मैंने इसमें। फिर इसको हमको अच्छे से ग्राइंड करना है। मसाला पीसकर होने के बाद नेक्स्ट हमको प्रॉन्स को मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए मैंने 2 टीस्पून जो कर्ड ली हूँ उसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से जो प्रॉन्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है ऐसे टाइप में पुलाव। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाली हूँ मैंने। फिर रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट एक बर्तन में मैंने जो 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड की हूँ उसमें 2 टीस्पून जो है वो घी ऐड करी हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने उसमें शाजीरा ऐड करी हूँ। शाजीरे से इसमें ना पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी बनता है। ओनियंस इसमें ऐड की हूँ मैंने। ओनियंस जो है जब ही जीरा क्रैकल करेगा उसके बाद ऐड करना है। ओनियंस को जो है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसमें मैं सॉल्ट ऐड करी हूँ ताकि ओनियंस जो है जल्दी से फ्राई हो जाए। मुझे ना पुलाव बनाते बनाते कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था तो मैं इसके लिए एप्पल का जूस पी रही थी जो मम्मी ने बनाए थे। फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट करना कि ऐसे खाना बनाते हुए किसको भूख लगती है और कौन मेरी तरह ऐसे ही खाता पीता है। ओनियंस अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसमें मसाला ऐड किया और उसमें मसाला थोड़ा रह गया था तो मैंने पानी डाल के उसमें मिक्स करके फिर से ऐड करी। थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर ये जो मैरिनेटेड जो प्रॉन्स थे वो मैंने इसमें ऐड किया। हाँ, प्रॉन्स को मैंने 15 मिनट्स मैरिनेशन के लिए रख दी थी। नेक्स्ट ये बारीक चॉप किया हुआ कोरिएंडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इससे अच्छे से मसाले में फ्लेवर आए। नेक्स्ट करी लीव्स मैंने इसमें ऐड की हूँ। प्रॉन्स को ये मसाले के साथ मैं अच्छे से 15 मिनट्स तक कुक करूँगी क्योंकि जो प्रॉन्स की साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है तो इसको अच्छे से 15 मिनट्स तक मैं उसको कुक करूँगी। नेक्स्ट पोटैटोज ऐड की हूँ ताकि पोटैटो के अंदर भी जो है मसाले का फ्लेवर आ जाए। फिर इसमें ग्रीन पीस जो मैंने हाफ कप आपको बताई थी वो ऐड की हूँ इसमें। फिर इसमें पानी छोड़ के उसको अच्छे से कुक होने देना है। है ना इजी रेसिपी। इसमें मैंने ऐसे मसाले यूज़ करी हूँ जो ऑलमोस्ट सबके घर में ईजिली अवेलेबल रहते हैं। अभी मैं आलू और मटर चेक कर रही थी कि अच्छे से पके कि नहीं, उसके बाद फिर हमें चावल ऐड करना है। ये मैंने 1.5 कप चावल ली हूँ। 1.5 कप चावल के लिए मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। मतलब बेसिकली हमें जैसे चावल लेंगे जितनी क्वांटिटी में उसके डबल हम लोगों को पानी लेना है ताकि इससे कैसे चावल जो रहते हैं वो प्रॉपरली कुक हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोग चावल को कुक करते हैं वैसे ही सेम कुक करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।